कितना बड़ा केकड़ा है इसका, इसका प्राइस और ज्यादा होगा जमीन जी? जमीन जी इसका प्राइस महंगा होगा, ये 1500 रुपए किलो, 1500 रुपए के जी। ये देखिए कितने बड़े बड़े केकड़े। तो अंदर जाते हैं, अंदर जाके जो बड़ी मछलियां हैं वो भी आपको दिखाते हैं, आइए। अच्छा यहाँ के लिए रास्ता कहाँ से कहाँ? हाँ ये देखिए ये रास्ते हैं, और कितनी सारी गाड़ियां हैं जिनमें भर के ये मछलियां जाने वाली हैं, और ये बड़ा सा मार्केट है। चलते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। हमें पता चला है कि देश भर से यहाँ पर लोग आते हैं ट्रेड करते हैं। आप भी एक व्यापारी हैं? हाँ। अच्छा कहाँ कहाँ से मछलियाँ, कौन कौन से स्टेट से यहाँ पर आती हूँ? आंध्र से, गुजरात से, कर्नाटक से, केरला से, सभी जगह से। व्हाट इज योर नाम और एक बार अपना बता दीजिए, क्या नाम? हमारा नाम है श्री साई सीफूड। अच्छा यहाँ पर और मछलियाँ कौन कौन सी आती हैं? झींगा आता है, वाम आता है, हर तरह की मछली, हर तरह की मछली आती है। और पॉपुलेट सबसे महंगी मछली है, पॉपुलेट से भी महंगी दाड़ा है। पॉपुलेट से महंगी दाड़ा, दाड़ा का प्राइस कितना होता है? दाड़ा 1600 रुपए किलो, 1600 रुपए किलो जाती है। तो ये देखिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा क्राउडेड भी है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें अंदर जाए। हम ये देखते जाएंगे, लाइन से मछलियाँ हैं, और ये देखिए इस तरीके से मछलियाँ। ये वो खास मछली है जिसे पॉपुलेट कहते हैं, देखने में भी अच्छी लगती है और बहुत महंगी भी बिकती है, और खाने वाले शौकीन जो है वो बताते हैं कि ये मछली बहुत टेस्टी है। ये देखिए केकड़े दिखाइएगा, क्रैब है ये, केकड़ा है। क्या नाम है आपका? जमील शेख। जमील शेख जी, जमील जी केकड़ा कितने रुपए किलो बिकता है? 600 रुपए किलो, 600 रुपए केजी जाता है। तो ये देखिए कितने सारे केकड़े हैं जो 600 रुपए केजी जाते हैं, और केकड़ों में भी प्रजाति होती है जमील जी? हाँ है ना, दिखाइए, दिखाएंगे थोड़ा आप। रमन उसमें जाके दिखाना, वैसे जाके अलग अलग केकड़े में प्रजातियाँ होती हैं, और बहुत सारे अलग अलग केकड़े हैं, बहुत सारी अलग अलग मछलियाँ हैं। ये देखिए ओ कितना बड़ा केकड़ा है, इसका इसका प्राइस और ज़्यादा होगा जमीन जी? जमीन जी इसका प्राइस महंगा होगा, ये 1500 रुपए किलो, 1500 रुपए के जी। ये देखिए कितने बड़े बड़े केकड़े, करीब जाके और वो गत्ता दिखा दीजिएगा करीब जाके। ये देखिए कितना बड़ा मार्केट है, और कितनी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ इस मार्केट में हैं, और कितने सारे लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, कितने सारे लोगों का जीवन इस मार्केट से चलता है। जनता का राज। आप भी यहाँ पर ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, क्या है खरीदने आए हैं आप? थैंक यू जमील जी। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। अच्छा आप बिजनेसमैन हैं यहाँ के, ये बताएंगे थोड़ा कौन सी प्रजाति है? वाम है। वाम, वाम। वाम बोलते हैं उसे। अच्छा इसको करली, करली उसको मुर्गी। अच्छा ये मुर्गी होती है। इन सब में महंगी कौन सी है सबसे ज्यादा? आवस। आवस आवस रावस रावस। अच्छा कितने रुपए के जी है? 600 रुपए के जी जाती है। अच्छा और पॉपुलेट भी रखते हैं आप? नहीं रखते हैं पॉपुलेट? नहीं। तो ये देखिए 600 रुपए के जी मछली, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अच्छा कितने हाईएस्ट वजन कितना आता होगा? वेट वेट सर बढ़ाता है, बहुत बढ़ाता है मछली। अच्छा मतलब क्विंटल क्विंटल तक जाता है? 100 किलो तक? नहीं नहीं इतना बड़ा इतना नहीं आता, 50-60 50-60 किलो जाता है। क्या नाम? क्या ये देखिए लगातार यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है, बहुत बड़ा मार्केट है। और अंदर चलते हैं, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं सब किस तरीके से मार्केट में। बगाए क्या नाम है इस मछली का? ये बगाए। बगाए कितना प्राइस है इसका? 120 रुपए किलो है। 100-120 रुपए किलो जाती है। ये कौन सी है? ये सुरमई। सुरमई बोलते हैं। अच्छा सुरमई भी खाने वाले पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन सी पसंद करते हैं आदमी? सुरमई पापलेट। सुरमई पापलेट हलवा रावस। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर चल के एक बिजनेसमैन है जो आवाज लगा रहे हैं हमें, उनसे मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं मछलियों की प्रजातियों के बारे में। अच्छा क्या बोलते हैं इसे? लेप, 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 आपका नाम एक बार अपना नाम और बता दीजिए। अपना अपना अगस्तान तो छोड़ गए, गलमेवाड़ी कुंभारगांव पाटन जिला। नाम आपका? अच्छा नाम अगस्तान तो छोड़ गए। अगस्ता जी? अगस्तान तो छोड़ गए। अच्छा अच्छा हाँ, ये कौन सी बताइए आपने? लेप आए, लेप, लेप बोलते हैं। 200 रुपया किलो जाता है। 200 रुपए के जी जाता है। अच्छा कितने बजे सुबह आप आ जाते हैं? अबे 3 बजे आता है इधर। 3 बजे? 3 बजे आता है। जगह भी फिक्स होती होगी आपकी? नहीं नहीं इधर नहीं, इधर हम नहीं नहीं इधर आता है, बाहर रहता है। बाहर बाहर से आता है इधर 3 बजे। अच्छा अच्छा यहाँ पे जैसे अगर किसी को
फॉर एग्जाम्पल कोई नए ट्रेडर है? नहीं 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 ऐसा नहीं डालते है वो, ये है अपना लाइसेंस लेना पड़ता है। ये देखिए ये बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर। अच्छा ये पॉपुलेट है? हाँ पॉपुलेट है। ये 200 ग्राम 300 ग्राम पॉपुलेट है और ये लगभग 1500 से 2000 के बीच जाता है। सुपर जाता है, एक किलो वाला तो 1500-1600 रुपया किलो जाता है। वही सबसे महंगी ये है। एक मछली और ये दूसरा है कापरी, कापरी वो ये भी 1500-1600 भी जाता है। अच्छा वो यहाँ से। चलिए थैंक यू, आपका धन्यवाद। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये राउस बोलते हैं? राउस बोलता है। अच्छा 600 रुपया किलो, खाने का बहुत टेस्टी रहता है। 600 रुपये किलो जाता है ये। बढ़िया। ये वाली कौन सी है? हलवा। ये हलवा ये भी तो शायद महंगी बिकती है। हाँ ये 600-550 जैसा हर दिन भाव बदलता है इसका। हर दिन भाव बदलता है। 400 जाता है, 300 में भी जाता है, 500 में भी जाता है। ये बताइए जिस दिन मछलियाँ मान लो बच जाती होंगी, अगर नहीं पूरी बिक पाती फिर क्या करते हैं आप? ले जाते हैं घर पे? ये क्या बॉक्स है, इसमें अंदर लगा के पैक करके आइस में लगा के कितने तक? जब आइस में लगा देंगे कितने दिन तक चल जाएंगी वो? 4-5-6 दिन आराम से चल जाता है मच्छे। अच्छा बर्फ मार के रखेगा तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन ये देखिए गत्ते में बर्फ लगाई जा रही है और बर्फ में मछलियों को सुरक्षित करके रखा जा रहा है। एक बर्फ है। बर्फ कहाँ? अच्छा आइस वाली। आइए देखिए ये बर्फ जा रही है। बर्फ आता कहाँ से? 500। बर्फ कहाँ से आता है? वो आता है वाशी सानपाड़ा, उधर फैक्ट्री है, उधर से आता है। 200 रुपए का एक है ये। क्या बात है। ये देखिए इन आइस के कैरेट में मछलियाँ लगाई जाएंगी और ये ट्रांसपोर्ट करी जाएंगी। तो ये बताइए जो लोग खरीदने आते हैं फैक्ट्री से बनता है? फैक्ट्री से बनता है, फैक्ट्री से इधर से लाता है, इधर से बेचता है। नहीं जो आपकी मछलियाँ खरीदने आया है? नहीं 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 वो पार्टी बेचता है इधर। नहीं फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आया, उसने आपसे मछलियाँ खरीदी तो आइस कैरेट आप साथ में देते हैं या वो खुद लेके जाता है? बर्फ मार के सिलक रखता है। सिलक रख के देते हैं, बर्फ मार के रखता है सिलक। थैंक यू थैंक यू। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे चल के। और बहुत माल आगे, जो तुमको चाहिए वो मिलेगा। अच्छा बड़ी बड़ी मछली भी मिलेगी आगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। अच्छा ये कौन सी है? ये कुप्पा है, देख कितना बड़ा है, काला कुप्पा। अच्छा कुप्पा कहते हैं इसे? हाँ कुप्पा कहता है। ये क्या 150-120 चालू है? 120 से 150 के बीच में जाती है। चलिए और आगे बढ़ते। अच्छा कौन कौन सी प्रजाति की मछलियाँ होंगी यहाँ पर? सब बहुत ज्यादा, लगभग अगर गिनती में कहें 16-17-20-50। अरे 100 का ऊपर होगा। 100 के ऊपर होगा। 172 मछलियाँ आती हैं, अलग अलग स्टेट से भी आती हैं। 172 का टारगेट पकड़ो तो ये मुंबई का सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ ये सबसे मुंबई का है तो इंडिया का भी छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में बड़ा है वो। अच्छा ये तो ये शिवाजी महाराज जी के नाम से मार्केट है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के मार्केट है, मच्छी मार्केट। अच्छा शिवाजी मार्केट बड़ा है, उसमें एक छोटा मार्केट जो ये मछली मार्केट है। सबसे बड़ा मार्केट है शिवाजी मार्केट, महाराष्ट्र के भी सबसे बड़ा है शिवाजी मार्केट। शिवाजी मार्केट मच्छी मार्केट, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट। तो केवल मच्छी मार्केट शिवाजी महाराज के नाम से पूरा मार्केट? नहीं नहीं ये मार्केट मच्छी मार्केट। हाँ मच्छी मार्केट। क्रोफोर्ड भी कहते हैं इसे? हाँ क्रोफोर्ड मार्केट भी कहते हैं। वो बाजू में क्रोफोर्ड बाजू में? हाँ बाजू में। तो क्रोफोर्ड बड़ा है या ये बड़ा है? वो भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। ये भी बड़ा है। बढ़िया। तो ये हम गलत थे, ये शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से मार्केट है। और आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? का मेरा नाम है यशवंत, यशवंत जी। यशवंत जी कौन कौन सी मछलियाँ? ये कौन सी है? ये कुप्पा है। कुप्पा है ये? हमने ये क्या काटे ट्यूना, ट्यूना फिश बोलते हैं। अच्छा आंटी जी बोल दिया, बोल दिया। ये देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं और आगे चलते जाते हैं। निकल जाइए। ये देखिए ये बड़ी अजीब मछली है, इसका क्या नाम है, क्या कहते हैं इसे? इसको माकुल, माकुल माकुल बोलते हैं। अच्छा ये भी नॉर्मल मछलियों की तरह ही बनती है ये? प्राइस कैसा रहता है उसका? ये तो बहुत हटके दिख रही है। ये 250 रुपये किलो है। 250 रुपये के जी जाती है? वो बड़ा वाला है, बड़ा वो 350 रुपये किलो है। अच्छा बड़ा वाला 350। ये देखिए कितनी अजीब मछलियाँ हैं और माकुल इन मछलियों की प्रजाति है। और ये भी देखेंगे आप कितनी सारी मछलियाँ हैं और इनको क्या कहते हैं, कि क्या है इन मछली प्रजाति कौन सी है? ये खापरी, खापरी खापरी बोलते हैं इसे। तो ये देखिए कितनी अलग अलग प्रकार की मछलियाँ, पूरे घुमा दीजिए कैमरा एक तरफ। अच्छा
इन सब में निकल जाइए आप। ये बताइएगा इन सब में मछली कौन सी अच्छी होती है खाने में? पापलेट। पापलेट होती है, सबसे महंगी भी पापलेट होती है।